अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप YouTube चैनल देख रहे हैं एसएन अफरीदी स्पीक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, गुंडा राज है। जब चाहे किसी मुकदमे में किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस से पूछने वाला कोई नहीं है, ना अदालतों का एहतराम है, ना जजेस का एहतराम है। कल शेख यार अफरीदी को अदालत ने 10वीं मरतबा रिहा किया, लेकिन उसके ऊपर दोबारा एक फेक FIR काटी गई। सुबह उस FIR को भी अदालत ने उड़ा दिया। एंटी टेररिस्ट कोड ने शेख यार अफरीदी को रिहा कर दिया। जब वकला के साथ शेख यार अफरीदी बाहर आ रहे थे, तो एक मरतबा फिर पुलिस पहुंची और शेख यार अफरीदी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई हुई, शेख यार अफरीदी के कपड़े पाड़ दिए पुलिस ने। नाजरीन, थोड़ी देर बाद एक और 3 MPO का नोटिफिकेशन पुलिस लेकर आती है और शेख यार अफरीदी को 11वीं मरतबा गिरफ्तार किया जाता है। जुर्म सिर्फ शेख यार अफरीदी का एक ही है, और वो ये कि वो PTI को नहीं छोड़ रहा है, इमरान खान साहब से लातालुकी का इजहार नहीं कर रहा, डट के खड़ा है। नाजरीन, याद रहे कि इससे पहले जब शेख यार अफरीदी अडियाला जेल में थे, पहले उनके भाई का इंतकाल हुआ और इस फासिस्ट हुकूमत ने उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद कुछ अर्सा पहले उसकी हमशीरे का इंतकाल होता है और दोबारा उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं देती। नाज़रीन, इस बर्बरियत और इस जुल्म सितम के हवाले से आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें। चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए जी, बार से इनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, अजियत दी गई है।